सोचिए वो फिल्म और उस फिल्म का किरदार क्या होगा जिसके लिए जापान को मुंबई लेकर आया जा रहा है। आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर वॉटो का जापान से लेना देना क्या है, क्योंकि इसकी कड़ी दर कड़ी जापान से जुड़ती ही जा रही है। चलिए सबसे पहले सीक्रेट को आपके लिए डिस्क्लोज करते हैं, फिर शूटिंग की बाकी डिटेल्स बताते हैं। कहा जा रहा है कि ऋतिक रोशन जो फिल्म में कबीर का किरदार प्ले कर रहे हैं वो जापान में एक खास मिशन को अंजाम देने वाले हैं। अगर आपने टाइगर 3 देखी है तो उसके पोस्ट क्रेडिट सीन को देखकर ही आप समझ जाएंगे कि फिल्म में जापान का काफी बड़ा एरिया होने वाला है, क्योंकि वॉर एक एक्शन फिल्म थी। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के बीच जबरदस्त एक्शन सीन्स फिल्माए गए थे। पार्ट 1 की शूटिंग के लिए फिल्म को मोरक्को, पुर्तगाल और इटली समेत दुनिया भर के कई बड़े शहरों में शूट किया गया था। ऐसे में वॉर 2 के मेकर्स कई नई लोकेशंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसमें से एक जापान भी है। यहाँ भी एक दिलचस्प बात ये है कि फिल्म के लिए जापान को मुंबई लेकर आया गया है। जी हाँ, मिड्डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक गौर करें तो वॉर 2 के लिए मुंबई के अंधेरी स्थित यशराज फिल्म्स के स्टूडियो में जापानी मॉनेस्ट्री का एक बड़ा सेट तैयार किया गया है, जहां ऋतिक रोशन ने खतरनाक फाइट सीन शूट किया। इस सीक्वेंस को से योंग हो ने कोरियोग्राफ किया है, जिन्होंने पहले साल 2023 में रिलीज हुई फिल्म पठान के प्रोडक्शन हाउस के साथ काम किया था। टीम ने पहाड़ी पर 300 साल पुराने मठ की तरह एक विशाल सेट बनाया है। इस पूरे एक्शन सीक्वेंस के दौरान जापानी योद्धाओं से ऋतिक लड़ते नजर आएंगे। इसके लिए एक्टर ने बीते दिनों मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली और जापानी तलवार चलाना भी सीखा। रिपोर्ट में बताया गया है कि फिल्म में ऋतिक रोशन के एक एक्शन सीक्वेंस को लेकर इसे बनाया गया है। बताया तो ये भी जा रहा है कि वॉर 2 में 12 एक्शन डायरेक्टर को हायर किया गया है। फिल्म में इस बार जापान में एक्शन होता दिखाया जाएगा। आप लोग ऋतिक रोशन की इस सीक्वेंस की डिटेल को जानने के बाद फिल्म में इस पार्ट को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।